सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल F2 गेमर्स। सो गाइस, आज का ये वीडियो आपने टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि गाइस आज का ये वीडियो मतलब काफ़ी डिमांडेड है एंड काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि भाई लाओ M1014 TOP-5 टिप्स एंड ट्रिक। तो गाइस मैं आपको प्रो टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा जिससे कि देखो आपके सलने का स्टाइल, शॉट मारने का स्टाइल सब कुछ बदल जाएगा एंड किस तरह से आपको 180 डिग्री घूमकर बंदे को मारना है अगर बंदा एकदम मुंह पर आ गया एंड आप भी दौड़ रहे थे वो भी दौड़ रहा था। तो सब कुछ गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मुंह पर बंदा आया, देख सकते हो मैंने यहाँ पर रोटेट होकर बंदे को मारा। ठीक है, तो मैं पूरा आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको बंदे को किल करना है, पूरा एकदम फुल एक्सप्लेन करूँगा एंड पूरी यार प्रो टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा आज का ये वीडियो में। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। एंड गाइस दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जाओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, 1K फॉलोवर हो चुके हैं। वहाँ पर भी हम बातें करेंगे यार कुछ अच्छी अच्छी आपसे एंड आपका जो भी क्वेश्चन है वो बस सॉल्व करेंगे। तो जाओ एंड फटाफट यार फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पर। तो चलिए अभी बात करते हैं एंड आज की वीडियो का लाइक है मैं 200 लाइक यार, मुझे पता है कि आप पूरा करवा देगा भाई को यार, 200 लाइक तो कर ही सकते हो। तो बस चलिए अभी फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों M1040 या M1887 कोई भी शॉर्ट गन से आप मतलब ये कर सकते हो टिप्स एंड ट्रिक फॉलो एंड बहुत यार प्रो है, मतलब आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा। एंड ये यूज़ करने के बाद गाइस आप एक बंदे को मतलब आसानी से यार किल कर पाओगे एंड यार 100% बहुत ही प्रो टिप्स एंड ट्रिक होने वाली है। इसे मैं खुद फॉलो करता हूँ एंड प्रो प्रो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी फॉलो करते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है कि अगर बंदा कोई वॉल के पीछे खड़ा है तो गाइस बंदे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब रश कैसे करते हैं, जैसे कि देख सकते हो मैं गन लेकर दौड़ रहा हूँ, ऐसे दौड़ते हैं एंड फिर फायर करते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको ऐसे नहीं करना है, मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो माना कि बॉल के पीछे बंदा है, मैंने डैमेज दिया, अब ऐसे जाना है, गन हाथ में लेनी, जंप करना एंड फिर मतलब एकदम मूवमेंट करना। देखो देखो मैं कर रहा हूँ, आपको घूम घूम कर समझा रहा हूँ इस तरह से करना आपको। ठीक है, अगर बंदा घर के अंदर है तो भी इस तरह से करना। देखो गाइस गन हाथ में नहीं रखनी है, अगर गन रखोगे तो वैसे तो पहली बात तो ये कि आपको टाइम लगेगा जाने में एंड दूसरी बात ये कि मतलब जंप नहीं करोगे तो बंदा आपको हेड भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैं इस तरह से, अगर बंदा बाहर भी खड़ा है तो डायरेक्ट आकर जंप मार कर, देखो अब क्या करता हूँ मैं, जंप मारा अंदर से डायरेक्ट, अगर यहाँ पर बंदा आता तो मैं इसको मार देता। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ये गाइस बहुत ही मतलब यूज़फुल है, इस तरह से आपको करना। मतलब देख सकते हो गाइज, अगर बंदा मतलब वॉल के पीछे है तो आपको गन हाथ में नहीं रखनी है। मोस्ट ऑफ ऑल बंदे क्या करते हैं गाइज, बंदा सामने है तो गन लेकर भागते हैं कि गन बार बार कौन ले, लेकिन गाइज इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो गाइज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा, आपको गन लेकर हाथ में नहीं भागना है जब भी आप भागते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप्स की तरफ। सो गाइज ये टिप्स भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसमें गाइज एक टिप्स तो है 180 डिग्री एंड दूसरी टिप्स है 1 शॉट। ठीक है, तो क्या करना है गाइज, आपको सिंपली मतलब आपको क्या करना है, भागना है, गन हाथ में लेनी है, जंप करना है, देन आपको 180 डिग्री मूवमेंट करना है, देन वापस आपको अपनी मिली वेपन सेलेक्ट करना है एंड भागना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ, वो भी एक बार देख लो। ठीक है, देखो गाइज अब मैं भाग रहा हूँ, जंप पहले वेपन हाथ में लिया, फिर जंप किया, देन 180 डिग्री घूमकर शॉट मारा, फिर वापस अपने मेली वेपन सेलेक्ट किया एंड रन किया। तो इससे होगा था ये, जब भी हम गाइज बंदे को मारना होता है तो गाइज अगर हम एक ही जगह रुककर बंदे को मारेंगे तो गाइज बंदा हमें वहाँ मार सकता है, इसलिए गाइज एक शॉट मारो फिर मेली वेपन सेलेक्ट करके गाइज आपको कवर में चले जाना। इस पर भी गाइज मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा कि किस तरह से आप एक स्क्वाड को मतलब एक शॉट से मतलब मार सकते हो। ठीक है गाइज, ये मैंने बहुत बार किया। देखो गाइज क्या करना है, एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको, दौड़ना है आपको, देखो मैं दौड़ रहा हूँ, फिर आपको गन हाथ में लेनी है, देन जंप करना है। ठीक है, गन हाथ में लेकर जंप करना है, सुन लो। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, आपको दौड़ना है, मतलब बंदा आ रहा है उसके विपरीत दौड़ना है, भले किधर भी दौड़ना है बस। ठीक है, दौड़ना है, फिर आपको गन हाथ में लेनी है, गन हाथ में लेनी है, उसके बाद आपको जंप करना है, तुरंत गन हाथ में लेते ही जंप करना, 180 डिग्री घूमना है, देन शूट करना है। ठीक है, एंड गाइज अगली वीडियो आएगी 180 डिग्री घूमकर बंदे को हेड कैसे मारे। काफ़ी बंदे आपने देखा होगा कि बंदे जा रहे हैं जंप करके मतलब एकदम पीछे मुड़कर बंदे को डायरेक्ट पहले शॉट में हेड दे देते हैं, तो गाइज वो भी एक टिप से ट्रिक है, मैं भी फॉलो करता हूँ उसे, तो वो आप भी कर सकते हो। मैं आपको ये कस्टम में समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे पास अनलिमिटेड ग्लूवल भी है, तो आप ऐसे कर सकते हो 180 डिग्री घूमकर बंदे को मतलब एक शॉट से डायरेक्ट एक शॉट मारा, कवर लिया, देन वापस आपको पोजीशन लेकर एक शॉट मारना, फिर कवर लेना। इससे गाइज आपको मरोगे भी नहीं एंड सामने वाला बंदा आपको डैमेज भी नहीं दे पाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ठीक है, एंड गाइस ये टिप्स बहुत ही मतलब यूज़फुल है तो फॉलो जरूर करना
एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि 180 डिग्री घूमकर हेडशॉट कैसे मारे बंदे को, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। वो भी अगर नहीं देख मतलब देखनी है आपको तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो एंड ऑल सेलेक्ट कर देना, ठीक है। इससे होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा ना वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। सो गाइस ये टिप्स भी बहुत अच्छी है, जैसे कि आपको किसी घर में रश करना है, बस आपको करना ही है कुछ, मतलब मरने मरने की टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको रश करना है तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको डायरेक्ट घुस जाना है, देन यहाँ पर आकर जंप मार कर, फिर अगर यहाँ पर बंदा खड़ा है तो इसको मार देना है, नहीं तो आपको ऊपर चले जाना है, ठीक है। ऐसे घर में बहुत होता है। देखो यहाँ पर बंदे आए, अब मैं इसको आराम से मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है। आपको क्या करना है, बस आपको घर में रश करना है, ये आपको मतलब मरने की टेंशन नहीं है तो ये बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं हर बार करूँगा एंड हर बार जी जाओगे। अगर कोई सामने अच्छा बंदा होगा, पोजीशन लेकर बैठा होगा, तो आप ज़रूर मरोगे, ठीक है। अगर बंदा पोजीशन में नहीं है एंड आप पहले ग्रेनेड डाल सकते हो और ग्रेनेड फटने के तुरंत बाद आप दौड़ सकते हो एंड फिर आप एकदम बैक मुड़ कर यहाँ से मार सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टिप, ठीक है। सो गाइस ये टिप भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है कि काफ़ी बंदे मतलब घर में लड़ते हैं, जो कि मतलब काफ़ी बंदे घर में लड़ते हैं। तो गाइस घर में आपको लड़ाई कैसे करनी है वो भी 180 डिग्री में आपको बता रहा हूँ। देखो आपको बस एक शॉट मारना है, फिर मिली वेपन सेलेक्ट करना है एंड देन फटाफट आपको भाग जाना है, मतलब किसी कोने में कवर में भाग जाना है। देखो मैं करता हूँ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखो मैं भाग रहा हूँ अभी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पहले ये तोड़ देता हूँ नहीं तो दिक्कत दे रहा है मेरे को। मतलब आपको फटाफट भागना है एंड कवर ले जाना है, ठीक है। एक शॉट मारना बंदे को, कवर में जाना है, मतलब मिली वेपन सेलेक्ट करके। इससे गए आप मरोगे भी नहीं एंड आसानी होगी, मतलब एक अच्छे प्रो प्लेयर, एंड आपने देखा भी होगा कि प्रो प्लेयर ऐसा ही करते हैं, मतलब एक शॉट मारते हैं, मिली वेपन सेलेक्ट कर दें, देन वो कवर में जाता है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बात याद दिला देता हूँ कि इंस्टाग्राम पर यार फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर फॉलो कर दीजिए, बातचीत करेंगे। एंड लाइक है यार, मैंने आपको बता दिया 200 लाइक है तो पूरा करवा देना, ठीक है। और आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ बहुत ख़तरनाक वाले, अभी 1 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। तो बहुत बहुत यार मेरी तरफ से आपको दिल से शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए भाई भी। मैं भी यार आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा एंड पूरा अपनी जोर लगाऊंगा, जितना हो सकेगा उतना आपका सपोर्ट करूंगा। तो अब बढ़ते हैं गाइस अपनी लास्ट टिप्स की तरफ। सो लास्ट टिप भी बहुत ही खास होने वाली है, जो लोग मतलब हेडशॉट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने निशान लगाया यहाँ पर गोली मारकर। तो क्या करना है, अगर सामने बंदा आ जाता है तो आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपके सामने अचानक बंदा आ जाता है या फिर दौड़ता हुआ सामने आ रहा है, देखो बंदा आया पीछे घूमे शॉट मारा, ठीक है। एक शॉट मारा फिर वेपन हाथ में लिया, मिली वेपन, देन देखो मैं किस तरह से फटाफट कर रहा हूँ, बस शॉट मार रहा हूँ, मिली वेपन यूज़ कर रहा हूँ एंड 180 डिग्री। एंड गाइस मैं इस पर 180 डिग्री पर हेडशॉट कैसे मारे हो इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ठीक है। तो देखो किस तरह से मार रहा हूँ मैं फटाफट, मतलब ऐसे ही करना आपको, ऐसे करोगे तो यार आपकी एक तो मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं ग्लूवल की मेक फास्ट ग्लूवल कैसे बनाएं, तो उस पर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि एकदम फास्ट ग्लूवल कैसे बनाएं। मैं यार कोई ऐसे ही मतलब वीडियो नहीं डालता, पहले उस पर रिसर्च करता हूँ देन उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्लिप देख लो कि मैं कैसे ग्लूवल लगाता हूँ, देखो फटाफट। तो ग्लूवल पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो भी मतलब फटाफट यार, बस अभी जो भी आएगा 2020 में यार बस कुछ हट के आएगा भाई के चैनल को, तो बस सब्सक्राइब कर दो। एंड अभी गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या बताऊँ आपको, जो भी आपको करना है बस कर देना एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जिससे कि भाई को मोटिवेट मिले। मतलब ऐसा कमेंट मत करना कि यार गालियाँ लिख देना, कुछ अच्छा लिखना है जिससे कि मुझको भी अच्छा लगे, ठीक है। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन है कि भाई ये समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।